अनुपमा लगातार अभी भी टीवी का सबसे फेमस शो बने रहने में कायम है। अभी तक अनुपमा में आपने देखा कि अनुज सबके सामने अंगूठी फेंककर श्रुति से सगाई तोड़ देता है। अनुज के सामने अनुपमा और आध्या बार बार उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनुज उनकी बात नहीं सुनता। हालांकि आगे एपिसोड में अनुज के तेवर कुछ फीके लगते दिख रहे हैं। अनुज और श्रुति दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते दिख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में अनुज और श्रुति होटल पहुंचते हैं और श्रुति तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और साथ ही अनुज भी उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है। वो श्रुति से माफी मांगेगा, लेकिन उसने शाहनिवास में थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। फिर श्रुति भी अनुज से माफी मांगेगी कि और कहेगी, अच्छा हुआ सबके सामने सच आ गया, कम से कम तुम्हें पता तो चल गया कि अनुपमा आज भी तुमसे प्यार करती है। इसके बाद अनुपमा को बड़े ही अलग रूप में दिखाया जाता है, जिसमें अनुपमा रोते हुए मंदिर जाएगी और अपने आप को अनुज और श्रुति के बीच आने के लिए कोसेगी। अनुपमा अपने आप को उनकी सगाई टूटने की वजह मानेगी। अकेले जब बारिश में अनुपमा होगी, तभी अनुज आएगा, अनुपमा का साथ देगा। अनुज वहीं अनुपमा से कहेगा कि मैं जन्मों जन्मों तक वहीं खड़ा रहूंगा जहां तुम्हारा नाम लिखा होगा, क्योंकि मेरी दुनिया तुमसे ही शुरू होती है और तुम पर ही खत्म हो जाती है।